आज हम देख रहे हैं अपने पेटीएम अकाउंट को परमानेंट डिलीट कैसे करें। यहाँ आने के बाद जैसे कि आपको ऊपर दिख रहा है प्रोफाइल, है ना, पहले यहाँ तीन लाइनें आती थी, अब यहाँ पे लोगो आता है, तो बस वहां पे क्लिक करना है अपने फोटो के ऊपर। और जैसे ही आपकी ये प्रोफाइल खुलेगी, इसमें आपको सबसे नीचे देखिए ऑप्शन दिख रहा है 24x7 हेल्प, इस पर क्लिक करना है। आपको जाना है व्यू ऑल कैटेगरीज, जो आपको ये ऑप्शन दिख रहा है, और इसके अंदर आपको जाना है ये प्रोफाइल सेटिंग्स नाम का एक ऑप्शन है जिसमें ये स्माइली ये चश्मा लगा के रखा हुआ है, इस पर क्लिक करो। और इसमें आपको देखिए सबसे नीचे वाला ऑप्शन दिख रहा होगा, आई वॉन्ट टू क्लोज डिलीट माई अकाउंट, इस पर क्लिक कर दो। अब देखिए जैसे कि ये कंडीशंस कुछ दे रखी हैं, ये सिंपल है, मैं आपको बता देता हूँ, बहुत कोई कंफ्यूजिंग नहीं है। आपका जहाँ पेटीएम वॉलेट हो, बैंक हो, पेटीएम मनी हो, पेटीएम गोल्ड, पोस्टपेड, पेटीएम से रिलेटेड जो भी अकाउंट्स हैं, वहाँ ₹1 से कम बैलेंस होना चाहिए। यानी अगर आपका वॉलेट में पैसे हैं तो आप दूसरे पेटीएम अकाउंट में किसी में भेज दीजिए, अपने बैंक अकाउंट में डालिए, कुछ भी करिए, पर जिसको अकाउंट को डिलीट करना चाहते हैं वहाँ ₹1 या ₹1 से ऊपर का बैलेंस नहीं होना चाहिए। क्लियर है, बस ये छोटी सी कंडीशन है, बस ये यहाँ पे दे रखा है इफ़ यू वॉन्ट अकाउंट, ये बैलेंस जो भी है, बैलेंस आपका RBI की गाइडलाइंस दे रखी है, बैलेंस नहीं होना चाहिए, आपका अकाउंट अनलिंक हो जाएगा सभी ID पासवर्ड और ईमेल ID वगैरह जो भी है मोबाइल नंबर से, और बस परमानेंटली अकाउंट आपका जो डिलीट करने के लिए हमें बस तीन स्टेप्स हैं हमारे, हमें एक मैसेज करना है और उधर से हमारे पास एक कॉल आएगा और एक मैसेज आएगा, उसमें एक लिंक होगा, उसे क्लिक करना है। तो उसके लिए बस आपको क्या करना है, मैसेज अस पे क्लिक करना है, जो नीचे वाला ऑप्शन है मैसेज अस, इस मैसेज अस पे क्लिक कर दें अपन। और उसके बाद ये देखिए आई वॉन्ट टू क्लोज डिलीट माई अकाउंट क्लियर लिख रखा है, यहाँ पे आप नंबर डाल दीजिए अपना। और यहाँ नंबर डालने के बाद आपको क्या करना है, KYC के डॉक्यूमेंट्स आपको अपलोड करने हैं। उसमें क्या सीन है, दो टाइप की कैटेगरी है, KYC डॉक्यूमेंट आप या तो अपलोड कर दें जो KYC के दौरान आपने दिए थे स्टार्टिंग में, या फिर आप अभी एक सेल्फी लें और अपने हाथ में वो KYC डॉक्यूमेंट पकड़ के रखें, उसको अपलोड करें। तो आप क्या चाहते हैं, अपनी सेल्फी विद डॉक्यूमेंट अपलोड करना चाहते हैं या डॉक्यूमेंट अपलोड करना चाहते हैं। मान लीजिए मैं डॉक्यूमेंट अपलोड करना चाहता हूँ, तो पहला वाला ऑप्शन चूज कर लूँगा, ये वाला। और अपलोड फोटो में जो भी मेरा पैन कार्ड मैंने दिया था, तो पैन कार्ड मैं अपलोड कर देता हूँ यहाँ पे। आपके पास डॉक्यूमेंट था आप रख लेना, ध्यान रखना पहले से फोटो खींच के। ये पैन कार्ड है, मैंने अपलोड कर दिया यहाँ पे पैन कार्ड, ओके। उसके बाद अगर कोई बैंक अकाउंट है जैसे वो आप है, तो उसकी डिटेल डाल दें। आपका ये मोबाइल नंबर जो पेटीएम से रिलेटेड है, पेटीएम से लिंक्ड मोबाइल नंबर वो आपके पास ही है ना, तो उसको यस करें अगर है आपके पास। बिल्कुल मेरे पास ही रखा हुआ है मोबाइल, यही है। उसके बाद आपके अगर इसमें जो पैसे हैं आपके पेटीएम में और उनको आप ट्रांसफ़र करना चाहते हैं अभी, तो आप उस बैंक अकाउंट की डिटेल डाल दें। मेरे हिसाब से तो आप पहले ही भेज दें तो ज़्यादा बढ़िया है। और ये इम्पोर्टेंट है, प्लीज़ अपलोड कैंसल्ड चेक इमेज या फिर फ्रंट पेज पासबुक का, आपकी पासबुक का पहला पेज या फिर आपका चेक। तो अगर आपके बैंक का चेक है और उसको कट करके उसकी फ़ोटो ले लो, उसको पूरा क्रॉस कर दो और फोटो लेके अपलोड कर दो, या फिर अपनी अपनी पासबुक है बैंक की उसका पहला पेज उसकी फ़ोटो लेके आप अपलोड करो। तो मैं अपनी पासबुक का कर देता हूँ, अपलोड कर देता हूँ यहाँ पे, ये रहा मेरा पासबुक का फोटो, ये मैंने अपलोड कर दिया। यस आई प्रोवाइड माई कंसेंट, मतलब मैं सहमति दे रहा हूँ। ये वॉलेट बैलेंस अवेलेबल, मेरा जो वॉलेट है गेमिंग में या पेटीएम फर्स्ट में कोई बैलेंस नहीं है, ठीक है। इफ देयर इज सब वॉलेट बैलेंस अवेलेबल, नहीं है बैलेंस, ओके नो पे क्लिक कर दिया। फिर उस पर डिक्लेरेशन है, इसको यस कर दें। रीजन बता दें यहाँ पे, ओके। और सबमिट डिटेल पे क्लिक कर दें। जैसे हम सबमिट डिटेल पे क्लिक करेंगे, आपके पास पहला एकदम क्लियर मैसेज आ गया, ये ग्रीन वाला चेकबॉक्स लगा हुआ, कि वी हैव रिसीव्ड योर क्वेरी।
अपना जो मैसेज था उन्होंने रिसीव कर लिया, और इसके बाद अब हमारा कोई काम नहीं है। एक्चुअली आपका अकाउंट आपकी तरफ से अपन डिलीट कर चुके हैं, ठीक है। अब उनके पास एक मैसेज चला गया है, वो आपको एक मोबाइल पे, इसी मोबाइल नंबर पे जो पेटीएम से लिंक है उस पे एक लिंक भेजेंगे। उस लिंक पे बस आपको क्लिक करना होगा। आपके पास पेटीएम से कॉल आ सकता है, जो इसमें लिख रखा है कि आप वो कारण जानना चाहेंगे कि आप क्यों डिलीट कर रहे हैं, तो आप बता दें मुझे ज़रूरत नहीं है, ठीक है, सिंपल। और हाँ, पेटीएम से या और कहीं से ऐसा कोई कॉल आता है कि जो आपका पेटीएम का पिन नंबर, कार्ड नंबर, CVV, OTP ऐसी कोई चीज़ मांगता है, कुछ भी नहीं देना है, कोई किसी तरीके का फ़ोन आता है आपसे, सिर्फ ये फ़ोन आ सकता है रीज़न पूछने के लिए, तो आप बता दो भैया नहीं चाहिए मुझे अकाउंट अब, इसलिए मुझे डिलीट करना है, तो वो डिलीट करने के लिए प्रोसेस कर देंगे। फिर एक मैसेज जो आएगा बस उस पर लिंक करना है, वो पेटीएम का मैसेज होगा, ध्यान रख लेना, उस पर लिंक क्लिक करेंगे और आपका अकाउंट डिलीट हो जाएगा। 2 से 3 दिन इसमें लग सकते हैं। तो आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताना, और ऐसे ही बहुत सारे टेक्नोलॉजी से रिलेटेड वीडियोस हैं, आप वो भी देखें और सब्सक्राइब जरूर कर लें अगर आप अपडेटेड रहना चाहते हैं हमारे नए वीडियोस से हमेशा, और वीडियो पे लाइक ज़रूर छोड़ के जाना दोस्तों। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस, सी यू, बाय बाय। गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग एंड गुड नाइट।